प्राइम डायग्नोस्टिक सेंटर पालमपुर एक अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक है, जहां वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड, कलर ऑप्लर, 3D, 4D अल्ट्रासाउंड एवं गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य एवं दिल की जांच की सुविधा उपलब्ध है। सेंटर के संचालक डॉक्टर मनीष वर्मा को 13 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है और हम आपके स्वास्थ्य का मूल्य और महत्व पहचानते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अल्ट्रासाउंड मशीन के इस्तेमाल से यहाँ आप गंभीर बीमारियों में भी सटीक रिजल्ट पा सकते हैं। नूरपुर के भडवार में रविवार को जनमंच का आयोजन हुआ, जिसमें उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया भी मौजूद रहे। जनमंच में 15 पंचायतों के लोगों ने अपनी सड़क, बिजली, पानी, सामाजिक कल्याण, राजस्व सहित कई समस्याएं रखी। इस दौरान उद्योग मंत्री ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया, जबकि कुछ संबंधित विभागों को प्रेषित कर दी। सबसे पहले तो ये जो मौसम है और जिसकी किसान बड़ी आस लगाए बैठे हैं कि बारिश होनी चाहिए। ठीक बोला राकेश पठानिया जी ने, जनमंच तो फिर भी हो जाएगा, अगर बारिश नहीं होगी तो समस्या और बढ़ेगी और हमारी तरफ नहीं हो रही है, ये नूरपुर की तरफ हो रही है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है कि अच्छा मौसम जो है बनने जा रहा है। मित्रों, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जनमंच कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उसी कड़ी में आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेरे को भेजा गया है जनमंच के माध्यम से, क्योंकि जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से आम व्यक्ति की बात, अंतिम व्यक्ति की बात जो है वो सुनी जाती है। और मेरा जो हमारे यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि जनमत में कही गई बातों को हल्का ना लें। जहां जो भी विषय आता है उस विषय के ऊपर हम गहन चिंतन करें, गहन विचार करें। और यहाँ पर तो विधायक हमारी पार्टी के हैं और जो लोग दिशा निर्देश देते हैं और जो यहाँ पे लोग आते हैं तो उनके कामों का दिशा निर्देश आपको दिया जाता है। मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि उन समस्याओं का निवारण होगा। आपने हमारी हेल्प की, आपने आपने हमारा हर किस्म का काम करने का प्रयास भी किया और सफलतापूर्ण आपने किया भी। हमारी बहुत बड़ी समस्या है विक्रम जी, हमारे पास नौजवान बच्चे जो भी जवान हो रहे हैं, हर बच्चा जो है यहाँ से यहाँ लुधियाना जाएगा ड्राइविंग सीखने के लिए, कोई JCB चलाने के लिए, कोई कारोबार करने के लिए। हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ। अगर एक इंडस्ट्रियल एरिया हमारे बीच में यहाँ पे आ जाए तो हमारे बच्चों को इंडस्ट्री मिले तो यहाँ पे हम बहुत बड़ा रोजगार जो है यहाँ पैदा कर सकते हैं। आपके विभाग ने हमसे जगह मांगी और मैंने आग्रह किया मंत्री जी से, मंत्री जी ने 15 दिन के अंदर अंदर हमारा आग्रह माना और इन्होंने कहा कि आप जगह दीजिए, हमने जगह दी है। आगे आपके ऊपर आप कितना शीघ्र इसको करते हैं। आज तो वैसे बड़ा पुण्य का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, आदरणीय जयराम जी का जन्मदिन भी है, उनको भी लगातार बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं लोगों की तरफ से आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। वही मैं आज हमारे बहुत ही डायनेमिक डिप्टी कमिश्नर भी हमारे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नूरपुर से बलजीत चंबियाल की रिपोर्ट।